हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो पिछले वीडियोस तक में मैंने सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग पहले थ्योरी डिस्कस करी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस डिस्कस करे बेसिक लेवल के और इंटरमीडिएट लेवल के। ये भी लेक्चर एक्सरसाइज क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही है, बट अब हम आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं शिवम में। एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो लास्ट क्वेश्चन है उस तरीके से मूव कर रहा हूँ, ठीक है। पहले के क्वेश्चंस पहले ले रहा हूँ, बाद के क्वेश्चंस बाद के वीडियोस में ले रहा हूँ। सो उसी कंटिन्यूएशन में यहाँ मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन 22, 25 एंड 26 लिया है, ठीक है। सेम सर्कुलर मोशन फ्रॉम एचसी वर्मा बुक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1, ठीक है। सो ये लेक्चर नंबर 25 है और अगेन चैप्टर 7 है, दैट इज सर्कुलर मोशन फ्रॉम एचसी वर्मा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स ए बी सी एंड सी डी ऑफ इक्वल रेडियस 100 मीटर्स एंड जॉइंट स्मूथली। एक्चुअली एचसी वर्मा सर ने डायग्राम भी दिया हुआ है बुक में। सो अगर मैं यहाँ पे वही डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा वो, ठीक है। और ये ऐसे 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पे दिस, और फिर यहाँ से भी आप ऐसा बना दो। ये मैंने थोड़ा रफ बनाया, बट आप समझ जाओ कि ये ऐसे सर्कल है, सेमी सर्कल है। सो दिस इज बेसिकली ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, दिस इज ई, ठीक है। तो सी डी ई का ये है सर्कल, सेमी सर्कल, और ए बी सी का ये है, और ये सेंटर पॉइंट है जिसके अबाउट एक्चुअली ये सर्कल है, सेंटर है इस सर्कल का। अगर आप इसको फुल बनाओगे तो ये सेंटर होगा सी डी ई का, ये सेंटर होगा ए बी सी का, ठीक है। ऐसा कुछ गिवन है, और ये जो रेडियस है बेसिकली ये दिस इज व्हाट, दिस इज 100 मीटर्स, ये गिवन है। अब कह रहा है कि ईच पार्ट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट सेंटर, दिस इज व्हाट राइट एंगल। अ साइकिल वेइंग 100 केजी टुगेदर विद द राइडर ट्रेवल्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर्स पर आवर ऑन द ट्रैक। सपोज करो कि ऐसे कोई साइकिलिस्ट है, ठीक है, वो ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है वो, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और सीधा ई पॉइंट तक जा रहा है वो, ऐसा आपको अज्यूम करना है, ठीक है। और इसका जो वेट है वो साइकिल का प्लस उस बंदे का जो साइकिल को चला रहा है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 100 केजीज है। और जो स्पीड है राइडर की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है वो कितनी है, 18 किलोमीटर्स पर आर है। तो मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ मीटर्स पर सेकंड में तो 18 इंटू 5/18 दैट इज़ नथिंग बट 5 मीटर्स पर सेकंड। मैंने बोला था आपको कि आप ऐसे मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, जहाँ भी नॉन एसआई यूनिट्स में चीज़ें दी हुई हैं उसको आप ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इजी होगा आपके लिए, क्योंकि देखो तो यहाँ पे ऐसा यूनिट में मीटर्स है, केजीज है, तो क्यों ना इसको हम किलोमीटर पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, ताकि आप इजीली मल्टीप्लिकेशन और वो सब ऑपरेशंस कर सको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है, दैट फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड एट डी। मतलब जब ये साइकिल चलाकर ऐसे बी तक पहुंचेगा और जब ये साइकिल ऐसे चलाकर ये डी तक पहुंचेगा, हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, ठीक है। तो चलो हम फोर्सेस दिखाते हैं जब वो पॉइंट बी पे होगा। सबसे पहले बी पे फोर्सेस दिखाते हैं, ठीक है। तो बी पे जब वो साइक्लिस्ट होगा तो कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी, वेल सबसे पहले नीचे अपना एम जी है, ठीक है, और ये जो ऊपर होगा अपना वो नॉर्मल होगा, सिंपल। क्योंकि देखो साइकिल जब इसके ऊपर है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जब नीचे एम जी लगेगी तो नॉर्मल उसके ऊपर रिएक्ट करेगा ये रोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिएक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू मैंने एन लिया है। सिमिलरली यहाँ पे डी पे नीचे एम जी होगा और जो ये रोड है वो रिएक्ट करेगा विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एन, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों की सर्कल डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शंस निकालने के लिए आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की मदद लेनी पड़ेगी, सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो इसका सेंटर इस तरफ है लेकिन इसका सेंटर ऊपर की तरफ है, तो इसका सेंटर देखो mg की तरफ है, इसका सेंटर नॉर्मल की तरफ है। तो ऑब्वियसली दोनों इक्वेशंस जो है डिफरेंट होंगी और दोनों नॉर्मल्स की वैल्यू भी डिफरेंट आएंगी, ठीक है। mg की वैल्यू सेम है, नो डाउट, m into g सेम, क्योंकि साइकिलिस्ट सेम है, साइकिल और साइकिलिस्ट सेम है। बट नॉर्मल देखो एक तरफ नॉर्मल के डायरेक्शन के अवे है जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, एक तरफ नॉर्मल के डायरेक्शन में ही सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट केस मानता हूँ जो बी पे है, इसको सेकंड केस मानता हूँ जो डी पे है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, वेल नीचे अपने एम जी की तरफ था तो एम जी माइनस ऑफ एन जो होगा वो बेसिकली होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में अगर मैं लिखता हूं, देखो सेकंड केस को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे नॉर्मल माइनस ऑफ एम जी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्मल माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों डिफरेंस इक्वेशंस में। अब एम की वैल्यू हमें दी गई है कितनी है, 100 के जी है, जी को भी 10 लेने को बोला है, माइनस ऑफ एन इजिकल टू यहाँ पे एम अगेन 100 है, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कितनी आई थी अपनी 5 आई थी उसकी स्क्वायर, अपॉन रेडियस कितनी है 100 मीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ से मैं नॉर्मल वैल्यूज अगर निकालूँ तो ये कितना होगा 1000, ये वाला 1000, और ये इधर जाकर माइनस होगा क्योंकि मैंने नॉर्मल को राइट में लिया है, माइनस ऑफ दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 100,
तो ये 100 100 तो कैंसिल आउट हो गया, 1000 माइनस ऑफ 25 इज हाउ मच, 975 न्यूटन्स। तो नॉर्मल पहले वाले केस में, मतलब जहाँ पे ये बी पॉइंट पे कितना आया हमारे पास, 975 न्यूटन्स आया। अब देखते हैं डी पॉइंट पे कितना आएगा, डी पॉइंट पे देखो डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो ज़्यादा आएगा अपना डी पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि देखो ये इधर एम जी जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1000 लिखूँ प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेम होने वाला अपने पास कितना, 25। तो ये कितना होगा, 1025 होगा, 1025 न्यूटन्स इस केस में। देख रहे हो दोनों के बीच में डिफरेंस, यहाँ पे नॉर्मल्स के बीच में ऐसा डिफरेंस क्यों आया है, बेसिकली क्योंकि आपकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई। यहाँ पे जो है उसको रोड के ऐसे कर्व पे चलना पड़ रहा है, जो कि कर्व का सेंटर कहाँ है, डाउनवर्ड है, मतलब नीचे एम जी के डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे नॉर्मल के डायरेक्शन में जो कर्व है उसका सेंटर है। तो ऐसे चेंज की वजह से, ऐसे कर्वेचर पे चलने की वजह से आपको नॉर्मल रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। फॉर कीपिंग दिस स्पीड इज कॉन्स्टेंट, 5 मीटर्स पर सेकेंड हमने कॉन्स्टेंट लिया यहाँ पे स्पीड, और तब हमने निकाला ये नॉर्मल रिएक्शन। अब बी पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर्स व्हेन द साइकिल इज एट बी सी एंड डी। अब हमें देखो यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर दी गई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है कहाँ कहाँ पे, बी दिस पॉइंट और दिस पॉइंट से। तो पहले मैं नीटली बना लेता डायग्राम, फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो हमें बी पॉइंट, ये अपना बी पॉइंट था, सपोज करो यहाँ पे एक बार साइकिलिस्ट है, ये अपना सी पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे एक बार साइकिलिस्ट है, और ये अपना डी पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे एक बार साइकिलिस्ट है। दिस इज व्हाट पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी है। हमें इन तीन पॉइंट्स पे फ्रिक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले तो बी पॉइंट्स पे अगेन हम फोर्सेस ही दिखाएंगे, उससे आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो एक फोर्स तो नीचे एम जी लग रही थी, और एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि रोड हमें रिएक्शन में दे रहा था, मतलब ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन है नॉर्मल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है कि राइडर ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, जो मैंने निकाला है 5 मीटर्स पर सेकेंड ट्रैक पे, वो बेसिकली कांस्टेंट स्पीड है जो कि राइडर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बी में देखूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिस्ट जस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ठीक है, ये जस्ट मैं हाईएस्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो थोड़ी देर के लिए साइकिल की जो ट्रैवलिंग लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये साइकिल, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है टॉप पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूँ कि पॉइंट बी पे अगर फ्रिक्शन लग रही है, क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है, तो पीछे अगर फ्रिक्शन लग रही है तो आगे कोई एक फोर्स होना चाहिए हमारे पास राइट डायरेक्शन में, जो कि इस फ्रिक्शन को बैलेंस करे। बट यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स नहीं आगे के डायरेक्शन में, जैसा कि आपको देख रहे हो, जैसा क्वेश्चंस में गिवन नहीं है ऐसा कुछ की फोर्स है। तो जब कोई फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन भी जीरो ही होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तभी जाकर ये कॉन्स्टेंट स्पीड में मूव करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नेट फोर्स जीरो ही होनी चाहिए, तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या, फ्रिक्शन को जीरो होना पड़ेगा पॉइंट बी पे। सिमिलरली पॉइंट डी पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े टाइम के लिए कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी साइकिल। तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होनी चाहिए, अगर फ्रिक्शन लग रही है पीछे तो उसको जीरो करने के लिए, मतलब नेट फोर्स को जीरो करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक आगे के डायरेक्शन में भी फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो इसलिए पॉइंट बी और डी पे फ्रिक्शन को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फ्रिक्शन एट पॉइंट बी एंड डी इज बेसिकली नथिंग बट जीरो। बट मैं सी पॉइंट पे ऐसी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट एट पॉइंट बेसिकली सी, क्योंकि देखो सी पे जो बात है वो सीधी नहीं रह गई अभी, अभी साइकिल और जो राइडर है वो दोनों टिल्टेड है यहाँ पे सी पॉइंट पे, ठीक है, थोड़े से एंगल पे टिल्टेड है जैसा आपको दिख रहा है। ये टिल्टनेस की वजह से क्या हो रहा है कि अगर मैं फोर्स दिखाऊं यहाँ पे तो एक फोर्स तो नीचे ऐसे एम जी होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा देखो अभी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस जो रोड है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो रोड यहाँ पे इस एंगल पे है तो उसके परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मल लिखता हूँ, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। और मैं यहाँ पे एक फ्रिक्शन दिखाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक फ्रिक्शन दिखाया ऐसे, ठीक है, सर्फेस पे लग रही है, रोड लगा रहा है इस साइकिल पे। तो अभी क्या यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स है फ्रिक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन को जीरो कर सकता है? वेल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो एम जी फोर्स को ही मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ। एक कंपोनेंट होगा बिल्कुल नॉर्मल के डायरेक्शन में, लेकिन ये नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, वेल अगर मैं सेंटर तक ऐसे लाइन सबटेंड करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसे सबटेंड होगा, और जो नॉर्मल होगा बेसिकली वो इस लाइन के ही पैरेलल होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा नॉर्मल नहीं होगा, ये नहीं होगा डायरेक्शन, बल्कि ये होगा नॉर्मल का डायरेक्शन, ठीक है, ये बल्कि नॉर्मल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यही एक्चुअल में जो है वो रोड के परपेंडिकुलर है, ये वाला जो लाइन है ना जो सेंटर से आप एक्सटेंड करोगे,
ठीक है, जो सर्कल को कनेक्ट करोगे वो बेसिकली इस रोड के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे टेंजेंट बनाओगे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा रेडियस, ठीक है, दिस इज बेसिकली रेडियस, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा वो पॉइंट सी पे जो टेंजेंट बनेगा, तो वही टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल भी होगा। तो अब नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स एफ को बैलेंस कौन कर सकता है? वेल, हम एम जी को दो डायरेक्शन में कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल है, अगर मैं सेंटर से बिल्कुल सिमेट्रिकल यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूँ ऐसे, तो ये कितना होगा, 45 डिग्रीज होगा। और यही एम जी है, एम जी भी देखो कम्प्लीटली क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा अपना। तो एम जी के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से आएंगे, इधर एम जी कॉस 45 होगा एक, और इधर फ्रिक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एम जी कॉस 45 या साइन 45, दोनों सेम ही होता है, कॉस 45 एंड साइन 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है एम जी साइन 45 डिग्रीज, जो कि ये फ्रिक्शन को बैलेंस कर सकता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन को बैलेंस कर सकता है, मतलब अभी भी इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो सकती है हमारे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस डायरेक्शन में हमारे पास ऑलरेडी फोर्स है जो कि फ्रिक्शन को बैलेंस आउट कर सकता है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर सकता है, तो अभी भी ये साइकिल आराम से कॉन्स्टेंट स्पीड में मूव कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मल होगा वो जस्ट एम जी कॉस 45 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक एडवांटेज है पॉइंट सी पे, इसलिए पॉइंट सी पे आप नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप फ्रिक्शन को इसके इक्वल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इसको, वेल फ्रिक्शन क्या होगा, एम जी कॉस ऑफ 45 या साइन ऑफ 45 कुछ भी लिख दो आप, कॉस 45 इज 1/√2। सो एम क्या है, 100 है मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 1/√2। यहाँ पर मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि मैं नीचे इसको 2 लिख कर 5 टाइम्स लिख सकूँ। तो दिस इज़ वॉट, 500 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज़ नथिंग बट 1.414। इसको आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 707 न्यूटन, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 707 न्यूटन, ठीक है। और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, सेम, देखो नॉर्मल भी एम जी कॉस 45 है, तो नॉर्मल भी सेम ही हमारे पास आ गया, कितना, 707 न्यूटन। बी पार्ट का क्या आंसर होगा, कि जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है बाय द ट्रैक ऑन द टायर्स, जब साइकिल बी और डी पे है तब तो जीरो हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि मैंने बताया, बट सी पे जब होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 707 न्यूटन हो जाएगी हमारे पास, जैसा कि हमने निकाला, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। अब चलो सी क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कह रहा है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी। अगेन ये सी पॉइंट की बात कर रहा है, ये बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, जो सेक्शन सी है वो काफी समझने वाली है, काफी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है इसको, मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे। सो देखो अभी हम बात कंप्लीटली यहाँ पे इस पॉइंट सी की कर रहे हैं, ठीक है। अब सी से थोड़ा पहले अगर साइकिलिस्ट होगा, यहाँ पे अगर साइकिलिस्ट होगा, ठीक है, तो उसकी जो सेंटर है वो यहाँ होगी, ठीक है, इसको मान लो एफ पॉइंट मान लो। और जब सी के बाद ये साइकिलिस्ट होगा ऐसे, तो इसकी सेंटर किधर होगी, यहाँ पे होगी, ये वाला सेंटर, ये इसको मान लेता हूँ मैं जी पॉइंट। तो जैसे ही साइकिलिस्ट सी पॉइंट से लेफ्ट, मतलब पहले और सी पॉइंट के बाद जा रहा है, तो उसकी सेंटर चेंज हो जा रही है। ये सेंटर चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, जैसा पहले पार्ट में मैंने बताया, सेंटर चेंज होगी तो नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रिपेटल फोर्स वाली इक्वेशन है उसमें एक जगह एम जी माइनस एन आएगा, एक जगह एन माइनस ऑफ एम जी आएगा, तो उस कारण से क्या होगा कि अपनी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगी, जैसे कि मैंने पार्ट ए में भी समझाया था, सेक्शन ए में भी समझाया था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई करना है सेक्शन सी में। तो मान लेता हूँ कि मैं सी के जस्ट पहले है, सी के जस्ट पहले और फोर्सेज में अगर दिखाऊँ तो कौन कौन सी फोर्सेज होगी, वेल इधर एम जी और इधर वापस एम जी अपॉन रूट टू, मैंने बताया 45 है, ठीक है, ये जस्ट पॉइंट सी पे है, सी से थोड़ा पहले है, तो अभी भी आप उसको ये एंगल को 45 ले सकते हो, ठीक हो, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली ये कम्प्लीटली जो पॉइंट है वो सी पे ही है, बट जस्ट उसकी टेंडेंसी थोड़ी सी पहले है सी के और इसकी जस्ट थोड़ी बाद है सी के, तो वही कर रहे हैं, बट वो एग्जैक्टली पॉइंट सी पे ही है जो मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ये जो क्वेश्चंस की बात की जा रही है वो एग्जैक्टली पॉइंट सी पे ही है, लेकिन भाई जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी, तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मतलब आप सी पे ले सकते हो, उसकी एंगल 45 अगेन ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं एम जी के कंपेरेंस एम जी अपॉन रूट टू ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन में भी एम जी अपॉन रूट टू ले रहा हूँ। अब अगेन जो फोर्सेज है वो इधर नॉर्मल होगा और इधर अपना फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की बात तो मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रिक्शन जस्ट अपने इक्वल हो जाएगा एम जी अपॉन रूट टू के, ठीक है, 707 न्यूटन जो मैंने निकाला अभी। तो सेम फोर्सेज यहाँ भी लगेगी, इस पॉइंट पे भी सेम ही फोर्सेज, नॉर्मल और ये अगेन कितना एम जी अपॉन रूट टू, ठीक है। बट यहाँ पे ये नॉर्मल माइनस एम जी अपॉन रूट टू होगा और सी के पहले
ये एम जी अपॉन रूट टू माइनस नॉर्मल होगा। ये बात ध्यान से समझना, देखो बहुत ही क्लियर है ये, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पॉइंट सी के जस्ट बिफोर अगर आप लोगे तो सेंटर एफ है, एफ सेंटर है मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आपको एम जी अपॉन रूट टू माइनस ऑफ एन लेना पड़ेगा, ऐसा एम जी अपॉन रूट टू माइनस ऑफ एन, इसको इक्वेट करना पड़ेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। ये क्या हुआ, जस्ट बिफोर सी हुआ, जस्ट बिफोर सी जे बी सी लिखता हूँ, और जस्ट आफ्टर सी क्या होगा, जे ए सी क्या होगा, ये जो नॉर्मल है वो माइनस ऑफ एम जी अपॉन रूट टू करनी पड़ेगी आपको, और जब वो जो है आपको नेसेसरी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन देगा, फोर्स के इक्वल कर दो जैसे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल माइनस ऑफ एम जी अपॉन रूट टू जस्ट आफ्टर सी, ठीक है, क्योंकि सेंटर उस तरफ है। तो अभी इन दोनों को मैं सॉल्व करूँ, सो जे बी सी कैसे सॉल्व होगा, एम जी अपॉन रूट टू माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर करना पड़ेगा आपको, एंड दिस विल बी इक्वल टू नॉर्मल, ठीक है। तो एम कितना हमें पता है, 100 मल्टीप्लाइड बाई जी इज 10 अपॉन रूट टू माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर निकालोगे तो अगेन 100 मल्टीप्लाइड बाई दिस 25 अपॉन ये 100 दैट इज इक्वल टू नॉर्मल। तो ये तो 25 आया, और ये कितना आया था अपने पास 707, सो 707 माइनस ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 682 न्यूटन्स, इतना आया अपने पास, ठीक है। सो जस्ट बिफोर सी पॉइंट जो नॉर्मल अपने पास आया वो 682 न्यूटन आया। अब जस्ट आफ्टर सी पॉइंट देखता हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ ऐसा होगा एन माइनस ऑफ एम जी अपॉन रूट टू दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से जो नॉर्मल आएगा वो दोनों ऐड हो जाएगा, एम जी अपॉन रूट टू प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वैल्यू सेम रहेंगे। एम जी अपॉन रूट टू कितना था 707 प्लस ऑफ ये कितना था 25, सो यहाँ से आप करोगे निकालोगे तो 732 आएगा अपने पास न्यूटन, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। सो यहाँ पे 732 आया जस्ट आफ्टर सी पॉइंट, और जस्ट बिफोर सी पॉइंट क्या आया 682 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि जस्ट बिफोर सी इज बेसिकली लेसर देन जस्ट आफ्टर सी, और ये हम डायग्राम में से भी देख कर बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये था सी पार्ट। अभी डी पार्ट क्या कह रहा है कि वॉट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द रोड एंड द टायर विच विल एंश्योर दैट द साइकिलिस्ट कैन मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। ये भी बहुत ही सही क्वेश्चन है, बट अभी सी पार्ट हमने कर लिया तो आप ध्यान से सोचना इसको, ठीक है, ध्यान से समझो इसको। सबसे पहले खुद से सोचो, फिर मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोच लो। सो देखो यहाँ पे मैं क्या सोचूंगा, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशियंट पूछ रहा है, और उस मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पे कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। तो देखो अपने पास जो पॉइंट है जहाँ पे हमें इसको कंसिडर करनी चाहिए वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ही कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। या तो आप ए पॉइंट पे कंसिडर करो यहाँ, या तो सी पॉइंट पे कंसिडर कर लो, या फिर ई पॉइंट पे कंसिडर करो। तो ए पॉइंट सी पॉइंट ई पॉइंट बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है, जैसे ए पॉइंट सी के जस्ट पहले, ई पॉइंट सी के जस्ट बाद, ठीक है, तो वो जस्ट सेम है, एक्सट्रीम पे ही है। बट बी और डी पॉइंट पे आप कंसिडर करोगे तो वहां तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली जीरो है, तो वहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की हमें जरूरत ही नहीं है, वहां पे तो पहले से ही कॉन्स्टेंट स्पीड है, ठीक है, बिना किसी फोर्स के, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिना किसी फ्रिक्शन के। अब आप जैसे इस पॉइंट से एक तरफ मूव करते जाओगे तो क्या होगा कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों धीरे धीरे बढ़ेगी वो, क्योंकि देखो आप एक्चुअली में जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ ही लोगे, एम जी हमेशा वर्टिकल है, तो जब यहाँ पे रहेगा तो ये वाला एंगल होगा अपना, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा वो वाले एंगल से जो कि पॉइंट सी पे मिलेगा। देख रहे हो पॉइंट सी पे जो मिलेगा वो मैक्सिमम थीटा मिलेगा, 45 मिलेगा, बट उससे पहले जब आप एंगल निकालोगे सेंटर से तो ऑब्वियसली वो 45 से लेसर होगा। अब 45 डिग्री से लेसर होगा और आपको फ्रिक्शन के डायरेक्शन वाला फोर्स को इक्वेट करना है, ठीक है। तो एक तरफ जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, तो एक तरफ ऐसे फ्रिक्शन होगा अपने पास, तो एक तरफ एम जी का कौन सा वाला कंपोनेंट होगा, साइन वाला कंपोनेंट होगा, एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा जो कि फ्रिक्शन के इक्वल होगा, ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि कॉस वाला कंपोनेंट तो इधर आएगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ऐसे एम जी है तो आप उसको थीटा लोगे तो ये वाला होगा कॉस वाला कंपोनेंट और ये वाला होगा साइन वाला कंपोनेंट, तो साइन वाले कंपोनेंट से आप फ्रिक्शन को इक्वेट करोगे। तो जब थीटा कम है 45 से तो ऑब्वियसली एम जी साइन थीटा भी कम आएगा, इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन भी कम आएगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट से पहले आप जितने भी पॉइंट्स देखोगे वहां पे फ्रिक्शन कम आएगा, कम होता 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 जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले वाली पॉइंट्स पे बात करनी तो कोई मतलब की बात नहीं हुई अपनी। क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर उससे पहले वाले पॉइंट्स की हम फ्रिक्शन कोफिशियंट निकालेंगे जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स हमें मिलेगा, और उसको हम पूरे रोड पे
बोल देंगे कि इतनी फ्रिक्शन कोफिशिएंट आप ले लो, इतनी मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद वाले पॉइंट्स जितने भी आएंगे, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, तो उसके बाद वाले पॉइंट्स जितने भी आएंगे एक्सट्रीम्स पे और एक्सट्रीम्स के आसपास, वहां पे वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दूसरे तरफ वाले एम जी को, मतलब एम जी साइन थीटा को इक्वेट नहीं कर पाएगा। मतलब जो एम जी साइन थीटा वाला फोर्स है वो बड़ा हो जाएगा एफ से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो जीरो नहीं हो पाएगी, मतलब नेट फोर्स कुछ बचेगा अपने पास। तो नेट फोर्स बचेगा, इसका मतलब क्या कि कुछ एक्सेलरेशन होगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो पाएगी। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पहले वाले पॉइंट्स पे फ्रिक्शन ले लोगे और वहां से फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालोगे एम जी साइन थीटा को इक्वेट करके, तो क्योंकि थीटा कम है 45 से उससे पहले, तो फ्रिक्शन भी कम ही आएगा वहां पे, और फ्रिक्शन कम आएगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स भी कमी आएगी वहां पे। तो वहां वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट को जब आप बोलोगे कि पूरे ही रोड पे ले लो आप उस फ्रिक्शन कोफिशिएंट को, और पूरे ही रोड पे कहीं भी आप फ्रिक्शन निकालो उस फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, तो उसके दूसरी तरफ वाले फोर्स जो कि एम जी साइन थीटा है उसको इक्वेट कर देगा वो। क्यों इक्वेट कर देगा? क्योंकि उसको इक्वेट करेगा तभी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसकी। बट अगर इक्वेट नहीं कर पाया, एम जी साइन थीटा ज्यादा हो गया, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हुई अपने पास। मतलब अपना यहाँ जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या पर्पस है? एनश्योर दैट द साइक्लिस्ट कैन मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड। तो कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं मूव कर पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको करना क्या होगा कि आपको फ्रिक्शन वहां पे लेना है जहां पे उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी ये पूरे रोड पे, और वहां पे जो सबसे मैक्सिमम होगी वहां पे आप म्यू निकाल दोगे, तो क्या होगा कि वो म्यू को आप कहीं भी लोगे तो वो एम जी साइन थीटा वाले कंपोनेंट को इक्वेट कर देगा। ऑब्वियसली अगर उससे ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी है ना, वो खुद को कम कर लेता है, ठीक है, खुद को कम करके इक्वेट कर लेगा वो। सेल्फ एडजस्टेबल नेचर ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। तो हम पॉइंट सी पे ही देखते हैं। अब पॉइंट सी पे भी दो तरीके की बात है, एक जस्ट बिफोर सी, एक जस्ट आफ्टर सी, ठीक है। तो जस्ट बिफोर सी जो था वहां पे जो नॉर्मल की वैल्यूज थी वो कम आ रही थी, कितनी आ रही थी 682 न्यूटन अभी हमने निकाला, और जो जस्ट आफ्टर सी था वहां पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही थी 732 न्यूटन, ठीक है, इतनी आ रही थी। तो यहां से अगर मैं फ्रिक्शन निकालू इन दोनों से, फ्रिक्शन हमें पता है इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, ठीक है, और सी पॉइंट पे मैं अगर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालू दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एम जी साइन ऑफ 45, दैट इज एम जी अपॉन रूट टू, हमें पता है सी पॉइंट पे, हमने निकाला भी है ऊपर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा था अपने पास, 707 न्यूटन आ रहा था, ठीक है। तो ये अपने पास फ्रिक्शन की वैल्यू है 707, म्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे नॉर्मल की कौन सी वैल्यू रखूँ मैं, 682 न्यूटन रखूँ या 732 न्यूटन रखूँ? देखो यहाँ पे अगर मैं 732 रखूँ तो वहाँ से जो म्यू आएगा उसको मैं म्यू वन ले लेता हूँ, और जब यहाँ पे मैं 682 रखता हूँ और वहाँ पे जो म्यू आएगा उसको मैं म्यू टू ले लेता हूँ, तो यहाँ से तो एक पक्की बात है कि म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 732 जो है वो बड़ा है, तो उसको डिवाइड करोगे आप यहाँ पे ले जाकर तो क्या होगा, म्यू की वैल्यू कम आएगी, और 682 लोगे तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसलिए मैंने लिखा म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। तो जब म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, तो ऑब्वियसली हमें म्यू टू लेनी चाहिए मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं म्यू वन ले लिया तो जब वो साइक्लिस्ट जस्ट बिफोर सी जाएगा तो वो जो म्यू वन है उस वैल्यू से लेकर जो फ्रिक्शन की वैल्यू निकलेगी म्यू वन इंटू एन, वो एम जी साइन 45 से इक्वेट नहीं हो पाएगा जस्ट बिफोर सी। बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर मैं म्यू वन लिया, म्यू वन कितना होगा अपने पास, म्यू वन होगा 707 अपॉन 732, और म्यू टू कितना होगा अपने पास 707 अपॉन 682, ठीक है। तो अगर मैं म्यू वन लेता हूँ, ठीक है, म्यू वन क्या है बेसिकली जस्ट आफ्टर सी वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है, ये लेता हूँ और इसको जस्ट बिफोर सी वाले के साथ देखता हूँ, तो 707 अपॉन 732 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल, कहाँ वाला, जस्ट बिफोर सी वाला, ठीक है, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, और ये नॉर्मल कितना था अपने पास 682 था, देखो 707 अपॉन 732 मल्टीप्लाइड बाई 682, ठीक है। सो ये वाला जो फैक्टर आपको दिख रहा है ये लेसर देन वन है, ये हमें पता है, तो मतलब ये जो टोटल वैल्यू आएगी अपने पास ये लेस देन 707 आएगी, ये आएगी फ्रिक्शन की वैल्यू जस्ट बिफोर सी पे। लेकिन जस्ट बिफोर सी पे एम जी साइन थीटा जो है वो अगेन एम जी अपॉन रूट टू है, एम जी साइन 45, और उसकी वैल्यू कितनी है 707, बट जो हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है वो 707 से कम आ रही है, मतलब क्या इक्वेट नहीं कर पाएगा, इक्वेट नहीं कर पाएगा तो नेट फोर्स होगी, मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर पाएगा, तो ये वाला केस तो गलत हो गया, आप ये वाला म्यू वन नहीं ले सकते, आपको म्यू टू ही लेना पड़ेगा। तो म्यू टू अगर आप लोगे और उसको अगर आप जस्ट आफ्टर सी लिखोगे तो वो कितना होगा 707 अपॉन 682 मल्टीप्लाइड बाई, वहाँ पे नॉर्मल कितना था अपने पास 732 था,
तो अभी देखो ये वाला जो फैक्टर है ये ग्रेटर देन वन आया अपने पास, ठीक है। और नॉर्मल अगेन कितना है, नॉर्मल अगेन एम जी अपॉन रूट टू है, दैट इज 707। तो ये क्या हुआ, 707 से बड़ा हो गया, मतलब जो फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टेबल है, तो ऑब्वियसली वो 707 को इक्वेट कर देगा, मतलब नेट फोर्स जीरो कर पाएगा। इसलिए जो आपको म्यू टू लेना है वो कितना लेना है, 707 अपॉन 682। समझ में आया, कितनी अच्छे से मैंने समझाया, फिर से देखना अगर नहीं समझ में आया तो। सो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आएगा 1.04 और यही अपना आंसर होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर टू कुछ इस प्रकार से है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टेड मतलब ये अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो आप बेहतर होगा इस वीडियो से पहले थोड़े प्रोजेक्टाइल मोशन को रिवाइज कर लो, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया अपने वीडियोस में। सो आप क्लास 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके खोजना प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी आपकी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा, ऐसे मान लो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा ट्रैवल करेगा, दिस इज थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और स्पीड क्या है, यू है। कह रहा है कंसिडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स पाथ नियर द हाइएस्ट पोजिशन। हाइएस्ट पोजिशन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। हाइएस्ट पोजिशन पे क्या होती है, कुछ कुछ बातें जाननी है हाइएस्ट पोजिशन पे। देखो सबसे पहले तो हाइएस्ट पोजिशन पे जो है अपनी वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई जो है वो जीरो हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है इस डायरेक्शन में, और ये कितनी रहती है, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा जो होता है वो थ्रू आउट द मोशन सेम होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में ही स्पीड्स की चेंजेस होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होती है यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कह रहा है नियर द हाईएस्ट पोजीशन एंड टेक इट अप्रॉक्सिमेटली टू बी अ सर्कुलर आर्क, हमें यहाँ पे एक अप्रॉक्सिमेट सर्कुलर आर्क लेना है ऐसा, ठीक है। ऐसा मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे, इसको मैं पॉइंट ए कंसिडर करता हूँ। अभी कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ओके सर्कुलर आर्क कंसिडर किया, तो यहाँ से कुछ ऐसा सबटेंड हुआ ऐसा और कुछ ऐसा, तो ये हमें रेडियस निकालना है, ये व्हाट विल बी द रेडियस, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले कॉन्सेप्ट को आपको सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करना है, सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट से। तो ए पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी है, वेल जस्ट एक फोर्स है नीचे एम जी, अगर मैं मास एम कंसिडर करूँ तो इस पार्टिकल का, ठीक है। तो ये जो एम जी फोर्स है बेसिकली वही उसको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवा पा रहा है इस सर्कुलर आर्क में मूव करने के लिए, और वो कितना होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, और यही रेडियस हमें फाइंड करना है। सो एम एम कैंसिल आउट हो गया, सो जो आर हो गया वो क्या हो गया, जो रेडियस हमें निकालना है वी स्क्वायर अपॉन जी। अभी देखो वी क्या है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा है, तो यहाँ पे जस्ट यू कॉस थीटा रख दो स्क्वायर अपॉन जी, सो क्या हो गया आंसर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये हो गया अपने पास आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाय द प्रोजेक्टाइल एट अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा अपॉन टू विद द हॉरिजॉन्टल। बेसिकली ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये क्वेश्चन नंबर 26 है एचसी वर्मा बुक में, ठीक है, और जो पहला वाला पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 25 है। सो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया क्योंकि सेम ही पार्ट है क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि द प्रीवियस प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, बट ये क्वेश्चन 25 एंड 26 है। सो यहाँ पे कह रहा है कि वॉट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाई द प्रोजेक्टाइल एट अ पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो थीटा अपॉन टू बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो सपोज करो मैं एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, से दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी दिखाता हूँ, मतलब ये वाली पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे होगी, ठीक है, उसको मैं वी डैश लेता हूँ, वो जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा अपॉन टू एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी एंगल बना रहा है, थीटा अपॉन टू, ठीक है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सो ये थीटा अपॉन टू एंगल बना रहा है, तो ये वी डैश का अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँ इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, वी डैश कॉस ऑफ थीटा अपॉन टू होगा, आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, दिस इज वी डैश, तो ये क्या होगा, वी डैश कॉस थीटा अपॉन टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा अपॉन टू है। बट ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी लिया और आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है प्रोजेक्टाइल मोशन उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए जो वेलोसिटी होता है वो कॉन्स्टेंट थ्रू आउट होता है, और वो कितना है यहाँ पे, यू कॉस थीटा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू दी गई है और इनिशियल एंगल थीटा दिया गया है। सो यहाँ से जो वी डैश अपने पास आएगा वो कितना आएगा, यू कॉस थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा अपॉन टू, एक बात हो गई, ये वी डैश अपना निकल गया आप कितना वेलोसिटी है। अब यहाँ पे देखो मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और ऐसे मान लो, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर,
तो ये एक अगर यहाँ पे छोटा सा आप पैराबोला लोगे तो उसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ। और एम जी कौन सी डायरेक्शन में है? वेल ये नीचे के डायरेक्शन में ऐसे है एम जी, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा अपने पास? वेल ये देखो थीटा अपॉन टू है और ये 90 हमें पता है, तो ये 90 माइनस ऑफ थीटा अपॉन टू होगा, ये अगेन कितना होगा? थीटा अपॉन टू होगा। सो एम जी का एक कंपोनेंट जो इस तरफ होगा वो कितना होगा? एम जी कॉस ऑफ थीटा अपॉन टू होगा, ठीक है। और बेसिकली आप देखो यहाँ पे आप जो पैराबोला ले रहे हो हमें उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो ये अगर अप्रोक्सीमेट आप सर्कुलर आर्क कंसिडर करोगे और सेंट्रिपेटल फोर्स दिखाओगे तो वो सेंट्रिपेटल फोर्स बेसिकली ये वाला फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इस एंगल पे। ये काफ़ी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि उसके परपेंडिकुलर ये वाला फोर्स है। एम जी परपेंडिकुलर नहीं है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट इस एंगल पे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ऐसे फोर्स कंपोनेंट में डिवाइड करनी पड़ेगी ताकि आप उसको सेंट्रिपेटल फोर्स से इक्वेट कर सको। ऐसा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। सो ये एम एम कैंसिल होगा, तो ऐसा आपको सोचना है यहाँ पे कि एम जी कॉस थीटा अपॉन टू जो होगा वो बेसिकली नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वी है ये बेसिकली वी डैश है जो हमने यहाँ से निकाला, उसको आप यहाँ पे पुट कर दो, कितना होगा? जी कॉस ऑफ थीटा अपॉन टू वी डैश स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा अपॉन टू होल स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस नीचे आर, तो आप आर को इधर लेकर जाओ, जी कॉस थीटा अपॉन टू को नीचे लेकर आओ। सो आर कितना आएगा अपने पास? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा अपॉन टू दिस होल क्यूब, ये होगा अपने पास आंसर, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार हाईएस्ट पॉइंट पे जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को बोला तो क्योंकि वहाँ पे एम जी सीधा डाउनवर्ड था और जो वेलोसिटी थी वो अपना सीधा उसके परपेंडिकुलर था, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बट यहाँ पे जो है आप ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो एम जी का एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो आपको वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वेलोसिटी इधर है तो उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि सर्कुलर मोशन से आप डील कर रहे हो। सर्कुलर मोशन आपको पता है कि जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर जो है वो सेंट्रिपेटल फोर्स होता है, ऐसा कहीं पे भी आप देखो तो जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर सेंट्रिपेटल फोर्स होता है। इसलिए हमने वेलोसिटी हमें पता है कौन से डायरेक्शन में है वी डैश, उसके परपेंडिकुलर हमने फोर्स लिया और फिर उसको इक्वेट किया सेंट्रिपेटल फोर्स से, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था इस 26 नंबर क्वेश्चन का, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था। सो गाइज ये तीन थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ आएंगे, सो आप तब तक के लिए सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, हो सकता है तो अपने से कुछ कुछ क्वेश्चंस भी और अलग अलग तरीके के देख लो जो मैंने बताए हैं उसके अलावा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, तब तक के लिए थैंक यू।